आपका पर्पस जो है, अरे एंड आंख बंद करके 13 सालों से ये मोटरसाइकिल है एंड अभी भी चल रहा। सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैं घर के थोड़ा आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ नॉइज़ हो रहा था, तो अभी मैं मेन रोड के तरफ आ गया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि ये जो वीडियो है तो मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, तो कुछ इशू आया, नॉइज़ इशू एंड कैमरा क्वालिटी इशू, तो प्लीज़ डू कंसिडर दैट। तो गाइज चलिए लेट्स गो। सो है गाइज, जैसा कि मैं बोल रहा था कि आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों को एक सजेशन देने वाला हूँ कि अगर आप एक मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहे हो तो क्या क्या, मतलब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है टिल इन 2021 मार्केट में। तो फर्स्ट में अगर बात करूँ, आपको दो डिवीजन में एक गाड़ी को डिवाइड कर लेना, एक है फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल्स एंड दी अदर इज़ सेमी फेयर्ड मोटरसाइकिल्स लाइक 220। तो गाइस फर्स्ट मैं आपको बोल दूं कि 1.5 से 2 लाख के बीच अगर आप कभी भी सोचोगे तो मैक्सिमम, अगर आप इंडियन हो तो मैक्सिमम आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा ही, एक गाड़ी, मतलब एक गाड़ी का चीज़ दिमाग में आएगा ही कि ये गाड़ी, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम। मैं नहीं बोल रहा हूँ सबका, क्योंकि इसका इतना बड़ा फ़ैन बेस है 13 सालों से जो गाड़ी है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे किसका बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दी लेजेंड पल्सर 220F का। तो वही, तो 220F सभी का एक सेकेंड ऑप्शन रह ही जाता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये हर चीज़ को ही ऑलमोस्ट फुलफिल करता है। एंड ये गाड़ी में पावर देखने को मिल जाएगा आपको, आपको माइलेज मिल जाएगा अच्छा खासा 220cc सेगमेंट होने के बाद भी। ये गाड़ी में आपको लुक्स भी मिल जाएगा, ये गाड़ी में आपको अच्छा क्वालिटी का हेडलाइट्स भी देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स है एंड हॉर्न भी अच्छा खासा है, ब्रेकिंग ठीक ठाक सा है। अभी तो ABS दे दिया, ABS देने के बाद थोड़ा सा एफिशिएंट हो गया है। वैसे मैं बोलूँगा पावर डिलीवरी के मुकाबले अगर ब्रेकिंग का बात करूँ तो थोड़ा सा कम लगा मुझे। मैं तो ये गाड़ी को 1 साल से ऊपर यूज़ कर रहा हूँ एंड 2 साल से मैंने 220 चलाया हुआ है अपने फ्रेंड्स का। तो गाइस चलिए, ज़्यादा पकाऊँगा नहीं आपको, वीडियो को शॉर्ट बनाने का कोशिश करूँगा एंड आपको, मतलब जल्दी से जल्दी अच्छा कौन सा मोटरसाइकिल लेना आपके लिए बेस्ट है वही प्रेफर करूँगा। तो फर्स्ट मैं अगर डिवाइड करके आपको पहले नेकेड मोटरसाइकिल्स का ऑप्शन दे देता हूँ 1.5 से 2 लाख के बीच, आपके पास है नंबर 1 दी जिक्सर का जो नेकेड है 155cc मिल जाएगा आपको, एंड उसका ही साथ है हॉर्नेट का 160, उसके ही साथ है अगर 200 में देखोगे आप तो 150 में आपको और एक अदर हैंड में मिल जाएगा यामाहा का MT15। एंड 200 में अगर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में आप देखोगे तो आपको NS एंड अपाची, वो भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा बाइक है अंडर 1.5 लाख, 1.5 लाख तो अंडर नहीं पड़ेगा, 1.50 to 1.60। तो वही, एंड वाइज़र का बात करूँ मैं, अगर आप फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल आपको बहुत पसंद है एंड वाइज़र गाड़ी लेना है आपको तो आप यामा का R15 version 3 ले सकते हो। उसमें स्लीपर क्लच मिलेगा आपको, डुअल चैनल ABS मिलेगा, फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलेगा आपको एंड पावर भी अच्छा खासा मिल जाएगा, माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा क्योंकि वो 150cc रिप्लेसमेंट है। एंड उसका ही जो राइवल है वो है दी RS 200, तो RS 200 भी एक अच्छा खासा गाड़ी है, तो उसमें भी आपको पावर देखने को मिल जाएगा, माइलेज उतना नहीं मिलेगा, पावर देखने को मिल जाएगा एंड 30 के आसपास माइलेज देगा। एंड गाड़ी का जो साउंड है वो भी बहुत अच्छा है एंड 200cc है तो ऑब्वियसली पावर भी अच्छा है, तो वो एक आपके लिए ऑप्शन है। और नहीं तो इधर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, वो है बजाज पल्सर 220। तो ये जो गाड़ी है ये आपके हर ही जो पर्पस है उसको फुलफिल करेगा। लाइक आपका अगर पर्पस है डेली कम्यूट्स प्लस कभी कभी लॉन्ग राइड्स तो आप 220 में वो कर सकते हो। आपका पर्पस है अगर माइलेज प्लस पावर तो ये गाड़ी में माइलेज मिलेगा, मुझे मिलता है BS4 में 41, मेरा दोस्त जो BS6 है उसको मिलता है 43,
तो अभी तो आप सोच ही सकते हो। एंड वो जो गाड़ी है FI है ना, बहुत रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिलेगा एंड फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए आपको और स्मूथ हो गया। कैथलेटिक कन्वर्टर ऐड कर दिया गया BS6 में सभी गाड़ी में, तो लेस पॉल्यूशन के लिए एंड आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो वो भी एक गाड़ी है, अच्छा गाड़ी है बहुत। पल्सर 220 में भी राइड कर रहा हूँ 1 साल से एंड फ्रेंड्स का जो गाड़ी है वो भी 2 साल से राइड कर रहा हूँ। तो वही पता नहीं लोग घूर घूर के क्या देख रहे, सोच रहे होंगे क्या बंदा बकड़ा है हेलमेट के अंदर। वही तो वही मैं बोलने जो मैं बोल रहा था सॉरी, कि वो 220 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका बजट है 1.5 लाख 1.55 तक, तो 220 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो वही, और अगर आप फुल्ली फेड मोटरसाइकिल देखोगे तो आपको RS एंड V3 में मिल जाएगा। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपका पर्पस जो है, अरे क्या कर रही है लोग, चंदा उठाने के लिए रास्ते के बीच में लोग दे रहे हैं, बच्चे लोग क्या यार। हाँ, जो बोल रहा था कि वही आपके बजट को जो फुलफ़िल करता है, आपका पर्पस को जो फुलफ़िल करता है, तो वही मोटरसाइकिल आप चूज़ कीजिए। किसी के बात पे मत आइए एंड कंफ्यूज मत होइए। मैं भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। अगर आप नेकेड की तरफ देख रहे हो एंड आपको माइलेज प्लस पावर चाहिए तो गो फॉर MT, एंड थोड़ा ज़्यादा और पावर चाहिए तो NS 200 ले सकते हो, वो खुद के चॉइस के ऊपर है। एंड अगर आप पूछोगे मुझसे कि फुल फेयर्ड मोटरसाइकिल में कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा R15 V3 ले लीजिए अगर एग्रेसिव पोस्चर आपको इशू नहीं है, और नहीं तो RS ले लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा खासा लुक है, ट्विन प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स है एंड अच्छा राइडिंग पोस्चर है, साउंड भी, एग्जॉस्ट नोट भी बहुत अच्छा है, पावर भी देखने को मिलेगा, तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा खासा बाइक है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को इतना पका चुका हूँ, इतना कंफ्यूज कर चुका हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वही अभी आप देखिए कि आपका क्या पर्पस है। तो आइदर आप top 3 में देख लीजिए क्या, अगर मेरा ओपिनियन मांगोगे तो 1.5 से 2 लाख के बीच में एंड 150 से 200 cc के बीच में अगर आप एक मोटरसाइकिल फुल्ली फेड लेना चाहते हो तो गो फॉर V3, और अगर V3 नहीं ले पाए तो गो फॉर RS 200। ओके, एंड नेकेड का बात करोगे तो मैं प्रेफर करूँगा MT नहीं ले पाए तो NS 200, नहीं तो Apache 200। ये तीनों बाइक्स ही बहुत ही बढ़िया है अपने बजट के हिसाब से। ओके, एंड ये जो top 2 मैंने बोला आपको बाइक सजेस्ट किए, वो उसमें से भी अगर आपका कुछ क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा, आपका बजट थोड़ा सा लो है, 1.5 लाख की है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं, तो आप पल्सर 220 ले सकते हो गाइस। एंड आँख बंद करके 13 सालों से ये मोटरसाइकिल है एंड अभी भी चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला FI मिल जाएगा आपको अभी एंड बहुत रिफाइंड इंजन मिलेगा। तो आप आँख बंद करके पल्सर 220 ले सकते हो, होप सो आपको कोई कंप्लेन या कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा या फिर कोई लैग फील नहीं होगा कहीं पे, तो आप आराम से पल्सर 220 ले सकते हो, आप डेली कम्यूट्स प्लस लॉन्ग राइड्स कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना, जैसा कि मैंने बोला, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बोलिए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा कि नहीं। एंड ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है तो कुछ गलतियाँ हो गया होगा, ऑब्वियसली इंसान से ही होता है, तो डू कंसिडर दैट प्लीज़। एंड माइक या वीडियो क्वालिटी में इशू आया तो उसमें भी थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा भाई के लिए प्लीज़। एंड अगर अच्छा खासा ऐसा ही चलता रहा तो ऑब्वियसली अच्छा कैमरा एंड अच्छा माइक मैं परचेस करूँगा एंड आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल दे बाय बाय।